नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली। कर्नाटक में आज की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, जहां पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उत्तर भारतीय के डमी नेता हैं येदुरप्पा, यानी कि येदुरप्पा को उत्तर भारतीयों का डमी नेता बताया है। जी हाँ, ये करारा हमला जो कि सिद्धारमैया सरकार ने बीजेपी सरकार पर किया है, येदुरप्पा जो कि वहां के बीजेपी के सीएम उम्मीदवार है। और अब देखना यह होगा कि वाकई क्या इस बात में जरा सी भी सच्चाई है या सिर्फ ये चुनावी हमला है, और देखने वाली बात होगी। और इसके बाद येदुरप्पा क्या कहते हैं और खबर में क्या क्या है, डमी उम्मीदवार के साथ साथ उन्होंने और क्या कहा, ये मैं आपको सभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और हमला देखिए जो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा है। और वहीं कांग्रेस के कर्नाटक में कांग्रेस के सीएम जो कि सिद्धारमैया, उन्होंने वहां के सीएम उम्मीदवार पर साधा है। देखिए राहुल गांधी का हमला। आज मैं शुरुआत मोदी जी के एक कोट से करना चाहता हूं। मोदी जी ने एक किताब लिखी थी, कर्मयोगी बाय नरेंद्र मोदी, और उनकी स्पीचेस जो उन्होंने गुजरात के ब्यूरोक्रेट्स को दी थी, उन भाषणों में से मैंने कोट निकाला है। मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां संविधान की बात हो रही है, अंबेडकर जी की बात हो रही है, और इस कोट से हमारे प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच बहुत सफाई से दिखाई देती है। पहले मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा। What is the spirituality of a person working on cleaning toilets? Has anyone experienced spirituality of a man of Valmiki Samaj who has to remove human excretion and dirt every day? I do not believe that he accepted the task merely to fill his belly. He would not have stayed for so long in that profession, and certainly not from generation to generation. Probably sometime for happiness of God and society, he would have thought it his responsibility to keep the environment clean, and he accepted the work and continues to do the work for generations out of his spirituality. It is not that his ancestors were unable to shift or do any other work. अब मैं हिंदी में बताता हूं। जो टॉयलेट को साफ करता है, जो गंद उठाता है, उसकी क्या स्पिरिचुअलिटी होती है? किसी ने स्पिरिचुअलिटी महसूस की है जो वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति टॉयलेट साफ करते हुए महसूस करता है? नहीं, सुनिए सुनिए, वो काम जो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति करता है, वो अपने पेट को भरने के लिए नहीं करता है। वो इस काम को सालों भर नहीं करता अगर वो सिर्फ ये काम अपने पेट को भरने के लिए करता। कहीं ना कहीं वो ये काम करना छोड़ देता, मगर वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करता है। उसके जो माता पिता थे, वो आसानी से इस काम को छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा क्योंकि उनको इस काम से स्पिरिचुअलिटी मिलती है। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि वाल्मीकि समाज का जो व्यक्ति टॉयलेट को साफ करता है, वो पेट भरने के लिए नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है,
उनका कोर्ट है मेरा नहीं। अब देख नहीं ऐसे मत बोलिए, क्योंकि हम देखिए हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम किसी के बारे में मुर्दाबाद नहीं कहते, मगर जो उनकी विचारधारा है देर नहीं भैया ऐसे मत बोलिए, जो उनकी विचारधारा है नरेंद्र मोदी की, हिंदुस्तान के हर दलित को, हर गरीब को, हर व्यक्ति को समझनी है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि जो टॉयलेट को साफ करता है, जो गंद उठाता है, वो ये काम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है, पेट भरने के लिए नहीं करता है। ये हमारी प्रधानमंत्री की सोच है। मेरे पास एक व्यक्ति आए कुछ दिन पहले, मुझे कहते हैं मोदी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। सवाल क्या था? मोदी जी ने इस व्यक्ति से पूछा, देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? जहां भी मैं जाता हूं मैं अंबेडकर जी की मूर्ति पर माला लगाता हूं, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? मोदी जी, हिंदुस्तान के दलित आपसे गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि यह आपकी विचारधारा है। आप जितनी बार भी अंबेडकर जी के सामने फूल लगाओ, जितनी बार भी इनके मूर्ति पे माला लगाओ, इस विचारधारा के साथ उनकी आप इज्जत कभी नहीं कर सकते हो। और हर दलित, हिंदुस्तान का हर दलित इस बात को समझता है, जब वो नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है वो समझता है कि इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान के दलितों के लिए, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए, हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो देखा आपने कि राहुल गांधी ने किस तरह से हमले करके सीधा पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने यहां तक ही कहा था कि अगर मैं संसद में 15 मिनट बोलूं तो पीएम मोदी खड़े नहीं रह पाएंगे। उसके बाद मैं आपको सीधा खबर पे लेके चलता हूं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जी हां, चुनाव जब जब आते हैं तब तब नेता ऐसे ही करते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा बीएस येदुरप्पा को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बीएस येदुरप्पा को डमी उम्मीदवार करार दिया है, डमी उम्मीदवार कह के उन्होंने येदुरप्पा को बुलाया है। सिद्धरमैया ने कहा है कि बीजेपी को जीत के लिए सिर्फ उत्तर भारतीय पर भरोसा है और उनके पास मुख्यमंत्री पद का कोई और चेहरा नहीं है, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के भरोसे बैठे हैं। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि बीजेपी के पास केवल येदुरप्पा ही चेहरा है, इसलिए उन्हें मजबूरी में उतारना पड़ रहा है और बीजेपी के पास दूसरा कोई चेहरा भी नहीं है। सिद्धरमैया के मुताबिक इस बार चुनावी लड़ाई बाहरी और उत्तर भारतीय बनाम कर्नाटक के लोकल लीडर के बीच है। जी हां, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी के पास कर्नाटक में कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है जिसे वो उतार सके। वो प्रचार के लिए पीएम मोदी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ जैसे उत्तर भारतीयों को आयात कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने सीएम चेहरे बीएस येदुरप्पा को डमी बना दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर जवाबी हमला करते हुए बीजेपी ने कहा है कि उनका राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक सिद्धरमैया उत्तर दक्षिण की बात कर कर्नाटक को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल, कौन बांटने की राजनीति कर रहा है और कौन सबको साथ लेने की राजनीति कर रहा है ये तो जनता ही बताएगी। और 12 मई को वहां पर मतदान होना है कर्नाटक में सभी 224 सीटों के लिए, और 15 मई को नतीजे आ जाएंगे जिसमें पता चल जाएगा कि आखिर कर्नाटक की जनता ने किसको सत्ता पर बिठाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।